अब हम आते हैं मच्छर मक्खियों को आप घरों में किस तरह से रोक सकते हो। मच्छर मक्खियों को रोकने के लिए आपके ये जो भी मक्खियां हैं घर में, मक्खियां आती है, चींटियां आती हैं, ये मिट्टी के अंदर घुस के अंडे देती है। अगर आपकी मिट्टी में नीमखली, कोयला, राख ऐसे अगर तत्व होंगे तो ये मिट्टी के अंदर घुस के अंडे देने वाले जो कीड़े होंगे वो अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि जो राख है वो कीड़ों को रोकने का काम करता है, इंसेक्टिसाइड कहते हैं उसको, इसलिए राख डालना है। कोयला जो है इसको, अगर आपको भाइयों को पता होगा कई सारे जो पानी छानने के फिल्टर्स आते हैं है ना, उसमें कोयला इस्तेमाल करते हैं, पानी को छानने के लिए कोयला इस्तेमाल करते हैं, हवा को साफ करने के लिए कोयला इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी पौधों को घर के अंदर रखने की वजह से जो भी हवा आपकी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या कुछ अगर पौधों में सड़ रहा है तो उसके कारण जो बदबू आने के चांसेस होते हैं, उन सब को कौन रोकता है? कोयला रोकता है। और नीम खली भी इंसेक्टिसाइड का काम करती है, ठीक है। सो हमने मिट्टी का प्रावधान इस तरह से किया कि उसमें पानी का भी प्रावधान हो गया और आपके मिट्टी के अंदर जाके कीड़े अंडे देने वाले कीड़ों का भी प्रावधान हो गया। अब मिट्टी के ऊपर भिन भिन आने वाले कीड़ों का क्या करें? छोटे छोटे मच्छर होते हैं, कुछ भी होता है, उसके लिए आप गमले की सतह को ढक दोगे, उसको कहते हैं मल्चिंग। गमले, अगर आपका ये गमला है इसमें पौधा लगा हुआ है सो आपकी मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए? सिर्फ ये जो आपने डाला हुआ है, इसको कहते हैं मल्च। और ये है सूखा पत्ता, क्या है ये? सारा भुरभुरा किया हुआ सूखा पत्ता। अगर किसी घर के आसपास आपको सूखा पत्ता नहीं मिल रहा हो तो घर के अंदर आप दूसरा मिट्टी के सतह पे क्या डालोगे? ये है लकड़ी का बुरादा, जिसको हम वुड मल्च कहते हैं। ये लकड़ी का बारीक भूसा नहीं है, ये लकड़ी छीलते समय जो ऊपर ऊपर के मोटे मोटे वो निकलते हैं, उसकी छिलन निकलती है, वो है ये। और ये कार्डबोर्ड का या जिसका वो फर्नीचर बनता है, सनमाइका वगैरह, वो नहीं होना चाहिए। लकड़ी, कोई भी आम की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, वहाँ पर जो छीलने का काम होता है, सॉमिल का काम होता है, सॉमिल्स होते हैं, वहाँ से ये लकड़ी का बुरादा आप उसके ऊपर डालोगे। अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा है तो कई सारे आजकल गार्डनिंग शॉप्स में इसको बोलते हैं क्ले बॉल्स, मिट्टी के गोले हैं ये। मिट्टी के गोले बना के जैसे हमारा घड़ा पकाया जाता है आग में, उस तरह से ये गोले पकाए जाते हैं। और इनको भी आप ऊपर से पूरे जितने भी गमले आपने घरों में लगाए हुए, ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी, सो ये आप ऊपर से डाल सकते हो। इससे क्या होगा? ये जो सतह है इस मल्चिंग की, ये रफ होने के कारण कोई भी छोटा जीव, इल्ली, चींटी इसके ऊपर चलना पसंद नहीं करती, न केंचुआ इसके ऊपर रेंगना पसंद करता है, न कॉकरोच इसके अंदर जाना, क्योंकि ये चुभता है। क्या होता है? ये चुभता है। कोई भी मच्छर मक्खी इसके ऊपर बैठ कर रेंगने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ये चुभता है। और जो चीज़ चुभती है वहाँ पर वो अंडा देगा? नहीं देगा। दूसरा इससे क्या फ़ायदा होता है? गलती से भी अगर आपके नीचे की मिट्टी में पानी ज़्यादा हो गया तो ये जो सूखे पत्ते या ये सारा लकड़ी का बुरादा, ये पानी को सोख लेता है, पानी को ऊपर सोख लेता है। सो ये पानी का प्रावधान भी करता है, कीड़ों का प्रावधान भी करता है, और दिखने में भी बड़ा सुंदर दिखता है। आपने हाइड्रोपोनिक्स का नाम सुना है? सिर्फ पानी में पौधे लोग आजकल उगा रहे हैं, काफ़ी सारा खाना भी उगा रहे हैं। उस हाइड्रोपोनिक्स में ये चीज़ यूज़ होती है पौधों को ग्रो करने के लिए, ये इतनी काम की चीज़ है, ठीक है। सो इससे आपका सारा मच्छर मक्खी का भी प्रावधान हो गया, इल्लियों का प्रावधान हो गया। दूसरा, जो मैंने आपको मिट्टी में क्या क्या डालना है ये बताया, उसमें जो भी आप चीज़ लोगे, आप अगर कोई भी घर के बाहर पौधा लगा रहे हो तो उसमें भले आप आधी सड़ी हुई चीज़ ले लो, गोबर की खाद पूरी सड़ी हुई नहीं मिली कोई बात नहीं,
कॉम्पोस्ट पूरा सड़ा हुआ नहीं मिला कोई बात नहीं, थोड़े सब्जी के छिलके विलके या इसमें सूखे पत्तों में ही, ये देखो इतने अच्छे से दशाराम जी ने आज पत्ते चुन के लाए। मैंने उनको बोला दशाराम जी बिल्कुल सूखे सूखे पत्ते लाने, क्योंकि घर के अंदर आप हरे पीले पौधे पत्ते नहीं डाल सकते, वो जब सड़ेंगे तो बदबू करेंगे, कीड़ों को बुलाएंगे कीड़ों को रोकने के बजाय। इसलिए जो भी आप घर के अंदर पौधे लगाने के लिए मिट्टी बना रहे हो, अच्छी सड़ी हुई खाद ले लो। अगर सड़ी हुई नहीं है, पूरी तरह से सड़ी हुई नहीं है, तो वो खाद आप घर के अंदर के गमलों के लिए नहीं यूज़ करो।